नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल पटना यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट तो उसे नहीं बोलेंगे, जो आया वो मेरिट लिस्ट नहीं था। आपका ओरिजिनल मेरिट लिस्ट 13 तारीख को आएगा, 13 के बाद आएगा। वो आपका रैंक लिस्ट था कि आपका क्या रैंक है। यदि 21,000 लड़कों ने अप्लाई किया तो 21,000 लड़कों में आपका क्या रैंक है, ओवरऑल आपका कौन किस पोजीशन पे आप प्रेजेंट करते हैं, और आपका कैटेगरी जैसे कोई एससी कैटेगरी है, कोई एसटी कैटेगरी है, तो आपका कैटेगरी में रैंक क्या है। यदि एससी में किसी का 90% है, उससे ऊपर एससी कोई नहीं है तो 90% वाला फर्स्ट हो गया, 89% वाला एससी है तो वो सेकेंड हो गया, फिर 86 पे कोई एससी नहीं है, 87 पे कोई एससी नहीं है, 85 पे वापस एससी आ गया तो वो जो 85% वाला है वो आपका थर्ड रैंक पे आ गया। एससी एसटी इस टाइप से वो आपका जो है वो रैंक वाला आपका है कि आपका ये रैंक है। ऐसे हम लोग मेरिट लिस्ट नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि ये मेरिट लिस्ट नहीं है, मेरिट लिस्ट आपकी 13 तारीख के बाद आएगी। कि कौन से कोर्स, जैसे ही आप आज से और 12 तारीख के बीच में मिनिमम आपको 20 कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि हाँ मेरे को पॉलिटी भी करना है, मेरे को ज्योग्राफी भी करना है, मेरे को हिस्ट्री भी करना है। और आज मैं बहुत दुख हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी वाली बातों से। मतलब कल से इतने लोगों का मेरे पास कॉल आया, रोज़ कॉल करके लोग आप रो रहे थे कि जिनका भाई मेहनत किए हैं एग्ज़ाम की, इस लॉकडाउन में भी वो तैयारी किए, बिना कोचिंग के तैयारी किए हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट। मेरी सीबीएसई से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना कोई उनसे मेरा भ्रास है, वो उनको भी मैं बराबर सपोर्ट करता हूँ, सीबीएसई वालों को भी मैं बराबर सपोर्ट करता हूँ। पर यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी या बिहार सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। हम इसका जो बताएं आपको कि आज पेपर में पीछे मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेपर का कटिंग है कि सीबीएसई वालों छात्रों का रहा दबदबा, हेडलाइन ही बन गया क्योंकि 99.2% टॉपर का है। 99.2% क्या ऐसा, वो लोग क्या कैसे पढ़ता है, क्या ऐसा पढ़ा कि उनका नंबर 99.2% सीबीएसई वालों ने दिया। कहाँ है 99, मतलब कि वो लोग ऐसे लोग हैं ना जो कभी गलती ही नहीं किए, कभी गलती ही नहीं। उनको जो सवाल आता है, इतने जीनियस हैं कि सोचने वाली बात है कि 100 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स भी वो 99 ला रहे हैं, केमिस्ट्री में भी वो 99 ला रहे हैं, इसके साथ मैथ में भी 99 ला रहे हैं, इंग्लिश में भी 99 आ रहा है, उससे ज़्यादा 99.2 तो उससे ज़्यादा हो गया ना, हिंदी में भी। मतलब कितना टैलेंट है, ये सोचने वाली बात नहीं कि सीबीएसई के छात्रों में कितना टैलेंट है। अब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि एक ही 99, 98% का क्या मतलब है, ऑल ओवर परसेंटेज। हम एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पांच इनका सब्जेक्ट होता है भाई, पांचों सब्जेक्ट में ये 95 प्लस लाते हैं। मतलब क्या आप लोग कैसे पढ़ते हो, हम मैं अपनी बात बताऊं तो दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते रहता हूं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिनसे मुझे नहीं बन पाता है। जो आप इतने काबिल हैं, इतने अच्छे हैं, हम मानते हैं, मेरे को नो डाउट आप 99% ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते थे, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं कि हम लोग को जनरल कंपटीशन पीसीएस की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, बिहार एसआई की तैयारी करना है, अच्छे अच्छे लेवल एसएससी की तैयारी करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक माहौल चाहिए था, हम लोग को ऐसा चाहिए था कि जहाँ पर हम लोग को ऐसा माहौल मिले। भाई जब आप 99% ला रहे हो, 98% ला रहे हो, 95% ला रहे हो, तो आप भाई आईआईटी की तैयारी करो, आईजेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, बड़े कैट की तैयारी करो, आप तो वो सब भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल लोगे, वो क्या दिक्कत होगा। जब आप फिजिक्स का 100 नंबर के सवाल में 99 प्लस ला रहे हो तो वहाँ पे जेई के एग्ज़ाम में 60 क्यों नहीं ला सकते हो। अब भाई आप जेई का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, नीट का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसके बाद आप वही उधर ही चले जाइए, 3 साल 4 साल उधर कॉलेज में आपको देना होगा, आप निकाल सकते हो, मुझे पता, मुझे नो डाउट आप निकाल सकते हो, आप 95% वाले हो, आप निकाल सकते हो। तो हम वो जो सीट है वो हम आपसे भीख मांगते हैं, वो जो सीट आपका है, अब क्यों हम लोगों के सीट में आप घुस गए, क्यों घुस गए, जब आपको, मुझे पता है आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, पटना यूनिवर्सिटी से आपको कोई लेना देना नहीं, आप फॉर्म आया कि ग्रेजुएशन करना है, आप जाकर अप्लाई कर दिए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखते हैं, बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं, पहले वो फॉर्म अप्लाई, जिस समय फॉर्म आता है अप्लाई करते हैं, फिर जेई का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम उनका क्लियर होता है, चले जाते हैं, वो सीट फिर कुछ दिनों के बाद वैकेंट हो जाता है, उसमें जो अच्छे हम लोग के लड़के रहते हैं। अब भाई एक बात और बताते हैं, 80% बिहार बोर्ड में लाना अब मुश्किल, पहले भी मुश्किल था, अब मुश्किल है। हम लोग का 80% वैल्यू रखता है, 80% हम लोग का है, 80% लाने पे, पहले जो 80% हमारे गांव के 413 नंबर लाए थे, 413 में वो आया
इतने तेज पढ़ने में थे, इतने तेज में 413 नंबर लेकर आईआईटी गुवाहाटी में भी है। तो वो बिहार बोर्ड का थोड़ा सा सिलेबस और उनका चेक करने का, मानते हैं ये बोर्ड ख़राब है, आप लोग का ऐसा छवि बन गया है कि ये बोर्ड ख़राब है। यदि ख़राब है भाई तो इसमें भी 80% लाना मुश्किल होता है, और यदि हम 82% और 85% लाने के बाद भी हमारा रैंक आप लोगों की वजह से 16,000 पे 15,000 पे चला गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। मेरी वहाँ पर क्या गलती थी, आपका तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपके किस आधार पे आपको मार्क्स दिया गया 99.2%, किस आधार पे दिया गया। हम लोग का तो एग्ज़ाम हुआ, हम तो एग्ज़ाम देकर आए, जो हो फरवरी में हम लोग का एग्ज़ाम ले लिया गया, पढ़ाई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फरवरी में एग्ज़ाम भी ले लिया गया, उसके बाद हम 80% लाए। हमारा सपना था कि हम पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े, उस सपना को आप लोग तोड़े। यदि आप लोग तो 99% के लायक है, मुझे मालूम है कि आप 95% लाने के लायक है, 99% लाने लेने के लायक है, तो कृपया आप अपने जेई में चले जाएं, नीट में चले जाएं। यहाँ पर सीट आप फुल कर दिए तो हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको यूपीएससी करना था, बीपीएससी करना था, पटना अगर पढ़ना था, पटना यूनिवर्सिटी पे ही थे, रो रहे थे बाबू, रो रहे थे। जिनका 82% है, जिनका 83% है, वो रो रहे थे मेरे को कॉल करके, भाई उनके लिए क्या करें, क्या हम करें, हम क्या उनको संभावना दें कि हाँ भाई सीबीएसई वालों ने ऐसा कर दिया। पेपर वाले भी देखो छाप दिए कि सीबीएसई का रहा दबदबा। तो वो सब बातें हैं, हम आपके सपोर्ट में रहेंगे, हम आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। पर आप यहाँ पर गलत किए, आप यहाँ पर गलत कर दिए। आप जेई में जाइए, आप नीट में जाइए, आप 99% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, तो आपको वहाँ 100% हो जाएगा। कृपया वो हम आपसे भीख मांगते हैं कि वो जो अपना सीट है जो आप भर दिए हैं, सिर्फ आप वहाँ एडमिशन भी नहीं लेंगे, वो सीट हम लोगों को दे दीजिए, जिसे अच्छे से करना है, कुछ लाइफ में करना है। तो ये सब बातें होती रहेंगी, और आज संडे है तो 8 बजे वापस फिर लाइव आऊँगा। कल के लाइव सेशन में बहुत लोग बोल रहे थे पूरा वीडियो नहीं डाला, तो आप लोग के बीच का ही एक स्टूडेंट डायरेक्ट मेरे फ़ोन पे कॉल कर दिया जिससे लाइव चल रहा था, और उनका कॉल उठ गया, ऑटो आंसर था, कॉल उठ गया, उसके बाद वो लाइव ख़त्म हो गया। तो माफ़ी आपसे चाहता हूँ। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके भाई सब हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ करना पड़े, हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। 9110929641, 9110929641 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, बहुत ज़्यादा मैसेज आता है इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा कांत 9076, वहाँ पर भी मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर हम आते रहते हैं, पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पर आके फॉलो कर सकते हैं। हम बात करते हैं, ये सब मुद्दा तो हो ही गया, बात करते हैं, सैड तो बहुत ज़्यादा हूँ, जिस उम्मीद से था कि ऐसा कुछ होगा बिहार बोर्ड वालों का अलग कुछ क्राइटेरिया, कुछ तो करना चाहिए था ना, आपका 90 जितना लोगों को सुना हूँ 90% जिनका 87% है उनका रैंक है जो 4,000-5,000 के आसपास चला गया है, तो ये सब बहुत गलत बात हुई। अब हम बात करते हैं आज का जो मेन हमारा मुद्दा है कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, जिनका 4,000 के, क्योंकि सीटें तो 3,500 है, तो 4,000 के बाद वाले क्या करेंगे, 5,000 के बाद, या जिनका 14,000 रैंक है वो क्या करेंगे। पिछली बार क्या होता था, हाँ नो डाउट इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ये तो एकदम है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जब आएगा तो 90% जिनका रहेगा, 90% मतलब 2-3 हज़ार रैंक के नीचे जिनका है, तो उन अच्छे अच्छे जितने भी कोर्स हैं आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, मैथ केमिस्ट्री, और ये मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, सब सीटें फुल हो जाएंगी 90%। हम उल्टा सीधा कुछ उतना नहीं बोलेंगे, और हम आपको उस दुविधा में नहीं रखेंगे कि आप रहिए, क्योंकि ये सब सीटें कम होती है और ये आपकी फुल हो जाएंगी फर्स्ट से सेकेंड कट ऑफ आते आते, मैक्सिमम जो जाएगा आपका वही 85-83 के आसपास जाएगा, वो उसमें सारी सीटें फुल हो जाएंगी अच्छे अच्छे कॉलेज की। पटना कॉलेज की बात करें, इनकी सीटें फुल हो जाएंगी, पटना साइंस कॉलेज की बात करें, इनकी सीटें फुल हो जाएंगी। 80% का चांस रखते हैं कि जिनका 80% है, जिनका रैंक 4,000-5,000 के आसपास नीचे है, तो उनका बीएन कॉलेज में सीटें मिल जाएंगी अच्छी अच्छी सब्जेक्ट। जिनका रैंक 5,000 से 10,000 के बीच में है, 5,000 से 10,000 के बीच में, उनको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट, मैथिली, बंगाली, ये सब सब्जेक्ट, होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं उन सब्जेक्ट को बोल रहा हूँ, जैसे आपका हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया उधर, हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो अच्छे सब्जेक्ट हैं मैं उनके बारे में बात करूँ, इनका कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। कॉमर्स की बारे में बात करें तो फिर पिछली बार का जो है इंट्रेंस एग्जाम में जिनका 83 मार्क्स आया था वो हाईएस्ट था 83-84, और 58 आते आते सारी सीटें फुल हो गई थी, मतलब 20 मार्क्स में सारी सीटें फुल हो गई थी कॉमर्स की। 83 से 60 आया था, इस बार 99% है 95% है, तो वही 90-85 आते आते सीटें फुल हो जाएगी कॉमर्स की। यदि आपकी सीट बचती है तो अच्छी बात है। और जिनका रैंक 5000 के बाद है तो वो क्या करें अब सर, आपका 80% भी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, तो अभी टाइम है तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो वहाँ पे आप मूव ऑन कर सकते हैं भाई, वहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं। अब बोलते हैं कि आप बोलिएगा सर कि कोई चांस नहीं है, थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि कुछ चांस तो होगा कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाए, तो हाँ एक चांस बनता है। पिछली बार क्या हुआ था कि काउंसलिंग में बहुत लोगों का जैसे 83 हाईएस्ट मार्क्स पिछली बार एंट्रेंस में उठा था, तो कम से कम 200 लड़कों को एक दिन में वो काउंसलिंग में बुलाते हैं, 200 से 300 लड़कों को बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए 200 लड़के बीए के लिए बुलाते थे, तो मुश्किल से वहाँ पे 80-90 लड़कों का एडमिशन हो पाता था एक दिन में। अब बाकी सीटें खाली जाती थी, फिर सेकेंड कट ऑफ आता था, फिर 200 लड़कों को बुलाया जाता था, 70-80 लड़के पहुँचते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात एक है। आप लोगों में बहुत सारे लड़के जो थे डिप्रेशन में चले गए होंगे, आज तो वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिए होंगे, तो यही बेनिफिट यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलेगा। कट ऑफ तो हाई जाएगा पर यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है कि लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं, अभी भी चले जाएंगे, जिनका देख लेंगे रैंक 4000-5000 है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं आसपास के कॉलेज में, पाटलिपुत्र में 2 दिन अभी समय बचा हुआ उसमें एडमिशन ले लेंगे। तो क्या होता है ना कि वहाँ पर लड़के पहुँच काउंसलिंग के टाइम में लड़के पहुँच नहीं पाते हैं, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट से छटते हैं ऐसा छटते हैं, लड़के ही नहीं पहुंच पाते हैं। ये मैं पिछली बार देखा वहाँ पे, हमेशा रोज जिस दिन काउंसलिंग रहता था उस दिन जाता था, जुड़ा हुआ हूँ इससे तो पता है। और आप देखोगे भी तो पिछली बार 8 कट ऑफ निकालना पड़ा था, तो इसलिए फिट मेरिट लिस्ट, ये आपका मेरिट लिस्ट नहीं था, ये सब लोग मेरिट लिस्ट कर रहे हैं, ये मेरिट लिस्ट नहीं था, ये आपका रैंक का लिस्ट था कि आपका ये रैंक है। मेरिट लिस्ट 13 के बाद आएगी कि हाँ इस सब्जेक्ट में, बाय द वे ज्योग्राफी में के लिए तो लोग वो देखेंगे कि ज्योग्राफी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जनरल में 40 सीटें हैं तो 40 ज्योग्राफी में बीएन कॉलेज में दिया जाएगा, 40 पटना कॉलेज में दिया जाएगा, और 40 के आसपास तो 120 लड़कों जनरल का होगा ज्योग्राफी की बात करें तो, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में 120 जो हाई परसेंटेज वाले रहेंगे वो, तो हमारे हाई परसेंटेज वाले हमारे भोलेनाथ, तो वही सीबीएसई वाले आ गए जी। भाई आपको यही बता रहा हूँ ना कि सबसे पहले तो अब जो मुद्दे की बात है वही करता हूँ कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वीडियो मैं 8 बजे लेकर आ जाऊँगा, तो आप अब मूव कर सकते हैं। जिनका 80% है 80% 75 वाले तो मूव ही कर जाओ, 70 वाले मूव कर जाओ जितना जल्दी मूव, पटना यूनिवर्सिटी का सपना छोड़ दो। हम इस पर भी आपको शाम में बता भी देंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत भी नहीं थी, जो आप सपना देखे वो सपना आपका पूरा हो ही जाएगा, कैसे होगा, हम आपका भाई आपके साथ है ना तो पूरा कर ही देंगे। अब भाई इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आप अपनी गलती न लो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप भाई आप मेहनत किए, आप 12 का एग्ज़ाम दिए, 12 का एग्ज़ाम में बैठे कम से, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको फ्री का मार्क्स दिया गया है। जब आप एग्ज़ाम नहीं दिए तो आपको 99.2% किस बेसिस पे दिया गया मेरे को कुछ पता नहीं, यदि उनको 99.2% दिया गया तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम वो आदमी निकाल लेगा। यदि उसका फिजिक्स में 99 नंबर आ रहा है, केमिस्ट्री में 99 नंबर आ रहा है, मैथ में 99 नंबर आ रहा है, हिंदी में 99 नंबर आ रहा है, इंग्लिश में 99 नंबर आ रहा है, तो दुनिया का कोई एग्जाम वो आदमी निकाल सकता है। यदि आपका 99% आता है तो आप पटना यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पटना यूनिवर्सिटी में ना आए। तो 70% वाले भाई मूव ऑन कर जाओ, जिसका 70% है रैंक है, फिर नेक्स्ट जैसे ही आएगा ना, थोड़ा सा जैसे ही आएगा मेरिट लिस्ट, अब मेरिट लिस्ट में कितने लोगों को वो लोग बुलाते हैं और कितने लोगों का एडमिशन होता है उस हिसाब से हम उस समय आपको बता दिया जाएगा, हम अच्छे से बता देंगे। अभी मेरा ख्याल से ये जो बताया वो सही बताया, उस समय हम आपको अच्छे से बता देंगे ना कि क्या इस बार प्रोसेस होगा, कितने लड़कों का एग्जैक्ट बताएंगे। अभी मैं भी कुछ एग्जैक्ट नहीं आपको बता सकता हूँ कि क्या कैसे होगा, बट उस समय हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे। तो ये अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया, जो लोग इसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी आया, मेरे को देखा ना कि कल भी लेट से वीडियो बनाया, सबका रिजल्ट कलेक्ट किया, ऐसा नहीं है कि आ गया तो वीडियो व्यू पाने के लिए वीडियो बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में कितने लोग रहते हैं, 20,000 लोग, ये बहुत तो बहुत 6,000-7,000 वीडियो देखते हैं लड़के, कितना रेवेन्यू बनेगा, अभी बनता है 4,000 के आसपास $1 का रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू मेरे को बनेगा,
कितना रेवेन्यू बनेगा एक वीडियो डालने पर, रेवेन्यू से कोई लेना देना है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हम पटना यूनिवर्सिटी का वीडियो इसलिए बनाते हैं, हम बिहार बोर्ड का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? अभी बनाएंगे। हम पटना यूनिवर्सिटी का वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जो लड़के पटना यूनिवर्सिटी में आए वो मेरा सपोर्ट करें, मेरे को देखें, मेरे वो सामने से जब मिलते हैं पैर छूकर प्रणाम करते हैं तो वो पल मुझे अच्छा लगता है। आप लोग का इज्जत के लिए मैं पटना यूनिवर्सिटी का बनाता हूँ। तो यही सब बात है, तो आप भाई मूव ऑन कर जाओ। बाकी 8 बजे लाइव आऊँगा, उसमें अच्छे से बताऊँगा, अच्छे से आपको मोटिवेट करूँगा। आपको डरने की कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे से सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार। जय बिहार बोलते बोलते बस ये बोलना रह गया है, जय बिहार बोलते हैं। बिहार की ये स्थिति देख लो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो 80% मेहनत से लाए वो आज पीछे हैं। उनका सपना पटना यूनिवर्सिटी में, जो 100 वर्षों से पटना यूनिवर्सिटी चलता रहा, उनमें वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्यों? आप तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे सर। जब आप ये भी तो देख रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम नहीं देकर आया, उसको आप कैसे पेपर वाले भी भांग पी के छाते, दबदबा क्या दबदबाई रहा। ये दबदबा है, ये तो क्या बताएं, निरंकुश शासन जिसको कहते हैं, किम जोंग जैसे करता है उस टाइप के हो गया ये तो, कि बिना एग्ज़ाम दिए आके यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। तो कोई बात नहीं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 8 बजे रात में मिलेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे क्या करना है।